यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है? लाइक इट्स पार्ट ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है. इट हैज हाउ मेनी ऑर्गन्स? सिक्स ऑर्गन्स. हु विल नेम दी सिक्स ऑर्गन्स? मैम मे आई जनरल यस यू कैन. असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप ऑफ समथिंग एंड आई हैड रेट अप टू दिस. ओके, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन सेक्रेटेरिएट, देन यू आर हैविंग इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड एक सिक्योरिटी काउंसिल है, उनमें से एक जनरल असेंबली जो ओवरऑल डिसीजन लेती है, जो उसके मॉडिफिकेशन, लाइक सेक्रेटेरिएट क्या करेगा, एक सेक्रेटरी जनरल होएगा. हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल? Who is the present Secretary General of UNO? Antonio Guterres. He was elected in the year of 2017 and he will work up to which year? 2022. Then non-permanent seats in UN Security Council. Ma'am, will you please rename him? UN Security Council mein 15 total member hote hain. How many total members are there? 15. 15 member mein se how many members are permanent and how many are impermanent? Kitne permanent hai, kitne non-permanent hai? It has 15 members. 15 में से 10 non-permanent हैं, 5 permanent member हैं. 5 permanent members की अगर हम बात करें, तो 5 permanent members कौन से हैं? We are having France, we are having USA, we are having Canada, then we are having China and Russia. These are the 5 members. USA, UK, Russia and China, France. These are the 5 permanent members. Which are the names of 5 permanent members? Ma'am, Canada is not there, no? No, Canada is not there. US, UK, then Russia, China and France. These are the 5 permanent members. Then you are having 10 non-permanent members. 10 non-permanent members, they are elected for the term of 2 years. जनरल असेंबली इलेक्ट देम फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स. लाइक इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दे आर 5 सीट्स अफ्रीकन नेशन में से, देन 1 ईस्टर्न यूरोप से, देन 2 लैटिन अमेरिका से, देन कैरेबियन से. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इज डन. इंडिया, वाई इज इट इन न्यूज? इंडिया बिकॉज रिसेंटली इसका नॉन परमानेंट मेम्बर इलेक्ट हुआ है. इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडिया इलेक्ट हुआ है. बिफोर दिस इंडिया हैज बीन इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स. लाइक 2011-12 में लेटेस्ट हुआ था, देन 1950s में, 51 में, लाइक दिस 7 टाइम्स इलेक्ट हो चुका है. एंड दिस इज द 8th टाइम इंडिया इज बीइंग इलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट. एंड इसमें टोटल 193 मेंबर कंट्रीज वोट कर रही हैं, इन विच देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. कितने मेंबर्स की वोटिंग चाहिए? वी नीड मेंबर वोटिंग ऑफ 2/3. लाइक 129 वोट्स चाहिए किसी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए, टोटल 193 में से. अंडरस्टैंड? एनी डाउट अप टू हियर? Any doubt to anyone up to here? Is it clear to everyone? Ma'am, a particular country needs 129 votes to be a temporary member or permanent member. What do you want to say? Please chat box mein likh ke bol dijiye. Reason being, mujhe apni voice thodi clear nahi aa rahi. So, agar hum next baat kare, current non-permanent members, you can write it down.
करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? हमारा इंडिया 2021 एंड 22 के लिए चूज हुआ है. इंडिया का टाइम पीरियड 21, फर्स्ट जनवरी 2021 से स्टार्ट होएगा एंड इट विल वर्क फॉर टू इयर्स 2022 तक. सो अगर हम 10 रीसेंट वाले जो प्रेजेंटली मेंबर्स हैं उनकी बात करें, सो करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हमारे पास बेल्जियम है. इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट. फर्स्ट इज बेल्जियम, सेकेंड इज डोमिनियन रिपब्लिक, थर्ड इज जर्मनी, फोर्थ इज इंडोनेशिया, फिफ्थ इज साउथ अफ्रीका एंड सिक्स्थ इज एस्टोनिया, देन नाइजर, देन हमारे पास सेंट विंसेंट, देन ट्यूनिशिया, देन वी आर हैविंग वियतनाम. दीज आर द 10 जो हमारे पास मेंबर्स हैं. Is it clear? Ma'am, these 10 are non-permanent or permanent? Okay. Ma'am, these 10 are permanent. First or non-permanent? Having Belgium. Second is Dominican Republic. Third is Germany. Fourth is Indonesia. Indonesia. Fifth is South Africa. Then sixth is Estonia. Then we are having Niger. Then Saint Vincent and Grenadines. Next is Tunisia. Next is Vietnam. Ma'am, your sound is buffering. Will you please repeat after Estonia? Permanent members, so humne dekhe 5 members hai. China, France, Russia, UK and US. These are the 5 permanent members. These are non-permanent members. जो 2 years की term के लिए elect हो रहे हैं. What happens 2021 में, like इस year इनका कुछ का term इसी year खत्म हो रहा है. तो 2021 से तभी India का start होएगा ना. They are elected for the term of 2 years. Is it clear? Fine. Can we proceed further? Ma'am, those permanent members will be permanent forever. India joins this GPAI as a founding member. GPAI kya hai? Is it a? It is a global alliance. Global alliance hai countries ka on artificial intelligence. I have also yesterday explained you what is artificial intelligence. Artificial intelligence is what? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है लाइक वर्क को आर्टिफिशियल करने मशीन्स के करने के थ्रू, मशीन्स के थ्रू जो आप वर्क करोगे लाइक अपने मैंने आपको कार्स की एग्जांपल दी थी. यस दे विल बी परमानेंट फॉर एवर. लाइक आप योर क्वेश्चन इज के जो अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं विल दे बी परमानेंट फॉर एवर? यस दे आर परमानेंट मेंबर. ये लाइफ टाइम इनकी मेंबरशिप है. दे आर ऑलवेज परमानेंट. उनका कोई रिमूवल नहीं है, नथिंग. उनकी वोटिंग ही मैटर करती है. दैट इज वाई उनकी वोटिंग के बिना कोई डिसीजन नहीं होता. देयर वोट इज ऑफ सच सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस. देन हमारे पास ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. वट इट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये इंडिया ने AI को मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे आप टेस्ला कंपनी है, यू कैन टेक एग्जांपल, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऐसी कार जो विदाउट ड्राइवर रन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लाइक जिसमें आपको ह्यूमन ब्रेन की जरूरत नहीं है, ह्यूमन फिजिकल कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, जिसमें आप काम कर सकते हो विदाउट द लाइक मैन की इंटरफेरेंस के बिना आप कोई काम कर सकते हो उसमें. दैट विल बी सपोर्टेड बाय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंडिया इज वर्किंग ऑन इट. इंडिया ने ये अपना फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन एज किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो इन्होंने ये क्या किया, ये इन्होंने क्यों किया, ये कब बनी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ अब हम देखेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक इंडिया की खुद अपने एक आर्टिफिशियल स्ट्रेटेजी भी लॉन्च की थी इंडिया ने रिसेंटली. एक आर्टिफिशियल पोर्टल भी लॉन्च किया था AI बेस्ड, सो दैट क्या हो पाए जो अपना वेरियस सेक्टर्स में लाइक आप इंडस्ट्रीज में
कॉमर्स में, फाइनेंस में, टेली कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, यू कैन इंट्रोड्यूस एआई बेस्ड. अगर आपको एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो 2030 में इंडिया के कहते हाफ ऑफ द लेबर फ्री हो जाएगी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने लेवल पे इम्प्लीमेंट हो गई तो हमारी तो स्किल्ड है जो सेमी स्किल्ड लेबर है टोटली फ्री हो जाएगी जो इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं. सो इंडिया भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. एआई बेस्ड हमने एक स्ट्रेटजी भी दी है, एक एआई पोर्टल भी बनाया है हमने. एंड ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखे कब बनी, इसके मेंबर्स कौन से हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसके लीडिंग मेंबर्स, इसकी इकोनॉमीज कौन से मेंबर्स हैं. इसके यूएस है इसका मेंबर, यूके है, देन वी आर हैविंग इसका मेंबर ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोपियन यूनियन, देन कनाडा, देन फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, ये इसके मेंबर्स हैं. जस्ट नीड टू नो कि चाइना इसका मेंबर नहीं है. एक बात ये ध्यान में रख लीजिए आप, चाइना इज नॉट इट्स मेंबर. ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, ये फ्रांस ने एंड कैनेडा ने जो इनकी एक समिट हुई थी G7 की समिट, उसमें ये ऑर्गेनाइज हुई, उसमें ये इंट्रोड्यूस की गई. G7 के आउट ऑफ ये कंट्री बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन एंड इसमें चाइना प्रेजेंट नहीं है. चाइना की एब्सेंस की वजह से ये इम्पोर्टेंट है. लाइक ये आप नेम्स नहीं लर्न कर पा रहे देन यू विल नो कि चाइना इसका मेंबर नहीं है. एक ऑप्शन इसकी चाइना भी आ जाएगी. देन यू आर हैविंग नेक्स्ट, ये इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, इट्स सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीट जो OECD का सेक्रेटरीट है जो अपना पेरिस में, वो वहाँ पे इसको सपोर्ट की जा रही है. इसके 2 सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं एक्सपर्टाइज के, एक मॉन्ट्रियल में एंड सेकेंड इज इन पेरिस. दिस इज ऑल अबाउट दिस GPAI. ग्लोबल जो अपने पास पार्टनरशिप है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या पर्पस क्या है इसका, इसका पर्पस ये पर्पस के लिए साथ बनी कि इनोवेशन को प्रमोट कर पाए. दे कैन प्रमोट इनोवेशन, दे कैन इंट्रोड्यूस्ड जो अपना एआई को ग्राउंड लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन ना हो उसमें, डाइवर्सिटी ना हो, कोई इंक्लूजन के लिए, इनोवेशन के लिए दैट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड. इज इट क्लियर? ग्लोबली अपनी अलायंस क्लियर हो गया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Do you have any doubt in this topic? Which 5th point? This one, ये क्यों बनी? ये organization, it's an international and multi-stakeholder or initiative है for the purpose के responsible development हो पाए जो artificial intelligence में सभी countries अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, सभी लाइक इनोवेशन के स्टेज पे हैं, उसमें जो प्रॉपरली हमारे पास एआई प्रॉपर यूज के लिए. ओके, 5th 1 2 3 5th, ओके आई गॉट इट. ये इसका लाइक जो हमारे पास OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये भी वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनी हुई है एंड डेवलपमेंट, OECD, लाइक OPEC होती है ना, OPEC पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है. आप सर्च करना OPEC. OECD है जो सेक्रेटरीट है, होस्टेड है. देन वी आर हैविंग पेरिस एंड फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, जो सेक्रेटरीट है वो इसको सपोर्ट करेगा. लाइक ये होस्ट वही करेंगे एंड इसके साथ साथ लाइक इसका सेक्रेटरीट कहाँ बनेगा. एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, लाइक अपने पास अगर हमने देखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका सेक्रेटरीट कहाँ बना था, उसका सेक्रेटरीट गुरुग्राम में बना था. ऐसे ही उसका मेन हेड ऑफिस बोलते हैं इसको, ये कहाँ बन रहा है इसका, OECD वाला हेड ऑफिस है, वही यूज करेंगे ये पेरिस वाला. एंड 2 सेंटर्स और बन रहे हैं एक्सपर्टाइज के, मॉन्ट्रियल में, एक पेरिस में. दिस इज ऑल अबाउट. मैम हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? Okay.
Is it clear? Ma'am, it is written like France as well as by two centers of expertise, one each in Montreal. Then Canada is also written. Paris. Paris में है इसका हेडक्वार्टर. OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है. अंडरस्टैंड? एनी डाउट? इट हैज टू सेंटर्स. इसके टू सेंटर्स हम बनाएंगे. ये हमारा AI जो अपना अलायंस है ना, GPAI, इसके टू सेंटर्स बनाएंगे एक्सपर्टाइज के लिए, कि लाइक वर्ल्ड लेवल पे इसके एक्सपर्टाइज के सेंटर्स बनाएंगे, एक मॉन्ट्रियल में, एक पेरिस में. OECD का कोई नहीं है. OECD का तो एक ही हेडक्वार्टर है, दैट इज इन पेरिस, जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ सेक्रेटरिएट. मॉन्ट्रियल इज इन कैनेडा ना. मॉन्ट्रियल इज अ स्टेट, लाइक एक सिटी टाइप है कनाडा की, दैट इज व्हाई उसको इन्होंने मॉन्ट्रियल कनाडा की सिटी, देन पेरिस, दीज आर द टू प्लेसेस. अंडरस्टैंड? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग. फर्स्ट हम कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग? लाइक क्या होता है? इफ यू वांट टू सेल एनी पेटेंट प्रोडक्ट, लाइक कोई कंपनी ने पेटेंट किया हुआ है उस पर, आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना है, देन आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी फॉर द पर्पस. इसके लिए आप एक एप्लीकेशन डालोगे एंड एप्लीकेशन डिसाइड होएगी. कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज वॉट अ लाइसेंस मिल रहा है आपको, लाइक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, लाइक पेटेंटेड कोई डिवाइस है, उसको इम्प्लॉय करने के लिए यू आर गेटिंग लाइसेंस. कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइक आपको पेटेंटेड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, पेटेंटेड प्रोडक्ट इज व्हाट, लाइक कोई कोरोना का वैक्सीन बनाया है किसी ने एंड यू वांट टू सेल इट इन इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे किसी कंट्री ने बनाया है, आप उसको इंडिया में सेल करना चाहते हो, दैट इज द कंपल्सरी नेसेसिटी है वो टाइम की, देन यू नीड टू डू इट. सो आप उसके लिए क्या करोगे, इंडियन पेटेंट एक्ट के अंडर एक प्रॉपरली एक क्या करोगे, एक एप्लीकेशन डालोगे उसके लिए. एप्लीकेशन किसको डालोगे? पेटेंटेड प्रोडक्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमने किया था, पेटेंटेड प्रोडक्ट जिस पे पेटेंट होता है किसी कंपनी का स्पेसिफिक का. मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग सो मच. कोई ड्रग, एनीथिंग, लाइक कोई प्रोडक्ट है जिस पे किसी कंट्री ने, किसी कंपनी ने पेटेंट लिया हुआ है, WIPO किया था ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उससे पेटेंट हासिल किया है कि हमारी ये रिसर्च है, हमने ही ये फाइंड आउट किया है एंड वी वांट. गॉट इट? व्हाट इज पेटेंट? ओके, नो इशू. व्हाट इज पेटेंट लाइक? जस्ट वेट. Is it clear now? Is it clear? Ma'am, your voice was buffering again. Right, yes or no, please. Is it clear to everyone? Okay. What is compulsory licensing? Compulsory licensing, जो मैंने आपको बताया, patent. Like क्या होता है? Compulsory licensing, patent product है वो एक. क्या होता है पेटेंट प्रोडक्ट?
लाइक किसी WIPO किया था हमने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट इज लाइक इंडिया लेवल का पेटेंट लेना है तो इंडियन मिनिस्ट्री से लोगे, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से लोगे, अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे किसी कंपनी ने पेटेंट लेना है वर्ल्ड लेवल पे, उन्हीं की रिसर्च है, उसके रिलेटेड किसी की रिसर्च नहीं आई आज तक, तो उसके लिए क्या होएगा, वो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे कि हमने ये पेटेंट, हमें ये पेटेंट इशू करो, हम ही इस प्रोडक्ट को बेच पाए, कोई हमारी कॉपी करके ना बेच पाए, इसके लिए उनको पेटेंट इशू हो जाएगा। एंड ये पेटेंट अगर आपने लाइक इंडिया में नेसेसिटी है, गवर्नमेंट चाहे तो दिलवा सकती है, गवर्नमेंट इशू कर सकती है किसी को कंपल्सरी लाइसेंसिंग, लाइसेंस इशू करेगी एप्लीकेंट को जिसको लगता है कि लाइक इंडिया में मेडिसिन की ज़रूरत है लाइक, तो उस केस में कोरोना का केस ले लो, अगर कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड लेवल की कंपनी बना रही है मेडिसिन, उसका कुछ मेडिसिन वैक्सीन, तो गवर्नमेंट चाहे तो इंडिया में किसी को पेटेंट दे सकती है कि इसको कॉपी करके आप जहाँ उनसे मंगवा के उनसे फॉर्मूला लेके बना सकते हो, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द टाइम। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कंपल्सरी लाइसेंसिंग में। इसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया हुआ है, दैट इज इंडियन पेटेंट्स एक्ट। इंडियन पेटेंट्स एक्ट ये क्या डील कर रहा है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रिप्स एग्रीमेंट था WPO का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें कंपल्सरी लाइसेंसिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने जब कोई सील हो गया, कोई पेटेंट किसी का इशू हो गया, तो उसके विद इन 3 ईयर्स यू कैन मेक एन एप्लीकेशन आफ्टर द 3 ईयर्स कि आपको कंपल्सरी लाइसेंसिंग चाहिए। इज इट क्लियर? Is it clear now? What is patent? What is compulsory licensing? Intellectual properties? I have already explained you. Do you want to explain it? Okay. Next is, next, ये question आ सकता है आपको like current affair में like CAATSA, CAATSA. What it is? Countering America's adversaries through sanctions act. ये आपको लाइक इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछ सकते हैं कि ये CAATSA रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट्स रिलेटेड टू व्हाट, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये CAATSA क्या है, अमेरिका का एक लॉ है, अमेरिका का एक लॉ है। इसका पर्पस क्या है, इन्होंने लाइक इनकी जो ईरान हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई, जो इनके दुश्मन है ना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, उस पर सेंक्शन लगाने के लिए। ये कब बनाया गया लॉ, 2017 में लॉ है, 2017 का फेडरल लॉ है। लाइक आप ये अमेरिका चाहे, ये अमेरिका का पर्सनल लॉ है, उन्होंने पास किया फॉर द अदर कंट्रीज लाइक ईरान, देन नॉर्थ कोरिया, देन यू आर हैविंग रशिया, इनके लिए ये इन्होंने लॉ पास किया। व्हाट दे वांट कि ये सैंक्शंस लगा पाए, उन पे कंडीशंस लगा पाए, उनकी न्यूक्लियर पावर पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे कंडीशंस लग पाए। फॉर दैट पर्पस दिस एक्ट वॉज पास, दिस लॉज वर पास। इस पे लाइक आप जो रशिया के साथ कोई कंट्री, लाइक सपोज कोई कंट्री है लाइक इंडिया ही ले लो, इंडिया रशिया के साथ डिफेंस रिलेशंस में है, इंडिया डिफेंस वगैरह के प्रोडक्ट लेता है रशिया से, डिफेंस में ट्रेड कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पस इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकती है अमेरिका। ये अमेरिका के पास पावर है, अमेरिका के ये लॉ में बताया हुआ है कि दे कैन इम्पोज सैंक्शंस जो कोई रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन में है, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस के रिलेशन में है, देन ये प्रेसिडेंट को लाइक रशिया, ईरान, देन नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई उनके साथ ट्रेड करता है, उन कंट्रीज पे ये भी सैंक्शन लगा सकते हैं कि आप हमारे साथ, अमेरिका के साथ, वर्ल्ड लेवल पे नहीं चलेंगे, अमेरिका के कोई कंट्री है जो उसको फॉलो करना चाहे लाइक वो कर सकते हैं, जहाँ अमेरिका अपने साथ रिलेशन में अगर आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू डू ट्रेड विद अस लाइक दिस। ये अमेरिका का फेडरल लॉ है, पर्सनल लॉ है, उन्होंने ईरान के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए एंड रशिया के लिए बनाया हुआ है। इसकी आपको ये फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, किस कंट्री के साथ रिलेट कर रहा है, किन किन कंट्रीज के ऊपर सेंक्शन लगा सकते हैं, ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट। Is it clear? Any doubt to anyone in this? Ma'am, sanctions mean restrictions. You can write in the chat box if you are having any issue.
otherwise we can proceed further. Next is Indian History Congress. Indian History Congress kya hai? Indian History Congress like Science Congress hai na? Sanctions, yes. Sanctions means restrictions. Restrictions related to trade that can be imposed by USA. Indian History Congress, जैसे हमने देखा था Indian Science Congress, जो scientists हैं वो मिलके एक congress बना रहे हैं, एक organization बना रहे हैं, जो time to time meet कर रही है, they are taking decisions. Same is the case with History Congress. ये भी एक History Congress is what? ये एक congress है, like एक conference है, एक like association है historians की. Historians की congress है and ये इसकी meeting recent कहाँ हुई? कनौर में, केरला में. रिसेंट इसकी मीटिंग केरला में हुई. इट इज व्हाट, ये फाउंड कब हुई थी? 1935 में. इट इज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1935. ये एक एसोसिएशन है साउथ एशिया के हिस्टोरियंस की. इनका मेन पर्पस इज व्हाट, दे वांट टू डू डील विद दिस. व्हाट देयर मेन पर्पस इज, इट कॉल्ड अपॉन द पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, लाइक ये कल्चर को प्रमोट करने के लिए, हिस्टोरियंस को प्रमोट करने के लिए, हिस्ट्री को लाइक प्रॉपर रूट के थ्रू चल रही है कि साइंटिफिक राइटिंग हो रही है हिस्ट्री में, सेकुलरिज्म चल रही है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के रिलेटेड कुछ गलत नहीं बोल रहे, फॉर दैट पर्पज के लिए ये एक एसोसिएशन बनी हुई है. ये एसोसिएशन हिस्टोरियंस की है साउथ एशिया लेवल पे. इस पे 35,000 मेंबर्स हैं, जिसमें 2,000 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं एवरी ईयर. ये कब ऑर्गेनाइजेशन बनी? 1935 में. एंड फ्रॉम द 1935 दे आर होल्डिंग इट्स सेशन एवरी ईयर. इज इट क्लियर? अभी इसकी ओरिजिन देख लेते हैं, व्हेन इट ओरिजिनेटेड. इसकी ओरिजिन कब हुई? इसकी then we are having iski origin, like Indian History Congress 1935 mein form hui. ye ek like Bharat Itihas, ye hamare paas hai na BISM, Bharat Itihas Samshodhak, just a minute, Bharat Itihas Samshodhak ye ek organization hai, like mandal. ye ek kisne banaya tha? ye history ke sath relate kar raha hai. starting origination, भारत इतिहास संशोधक मंडल, ये किसने बनाया था? इट वॉज फाउंडेड बाय विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े इन द ईयर 1930. उसके बाद ये एक हिस्ट्री कांग्रेस उसी का रूप है, उसी में से ये बनी हुई है 1935 में. जब ये BISM बनी तो उसमें उसके बाद ये हमारे क्या बनी? इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस. ये पहले भारत इतिहास संशोधक मंडला किसने बनाया था? इट वॉज फाउंडेड बाय विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े इन 1910 एट पुणे विद द सपोर्ट ऑफ केसी महंदले. गॉट इट? इज इट क्लियर? डू यू वांट एनी रेपिटेशन ऑफ दिस टॉपिक और इज इट क्लियर? If you are having any doubt, you can ask in this topic. Those who are having any doubt, you can ask. Otherwise, we can proceed further. Is it clear to everyone? And one thing more. Just 8 minutes are left of our this meeting. नेक्स्ट मीटिंग में यू कैन एंटर बाय क्लिकिंग ऑन द गिवन लिंक. यही लिंक पे आपने फिर से रिपीट करके क्लिक करके यू कैन एंटर इन आवर मीटिंग, बिकॉज़ जस्ट 8 मिनट्स आर लेफ्ट ऑफ दिस मीटिंग. गॉट इट? व्हाट्स योर इश्यू? अच्छा, यू वांट जस्टिन, यू वांट रेपिटेशन? Like I can't got your question. What do you want to say? Origin. Okay. Let me explain once again. Origin कैसे हुई? पहले suppose कर लो हमारे पास एक organization थी, that was भारत इतिहास संशोधक मंडला. Got it? ये organization suppose करो first आप.
I also don't know. पता नहीं क्या, कभी कभी हो जाते हो, कभी कभी नहीं होते. Audible नहीं हो आप मुझे. Just get its origin. भारत इतिहास संशोधक मंडला. And act in the Indian History Congress. What? Like कोई act नहीं है, just History Congress. कोई इसका law नहीं है properly. ये एक conference type है, एक association type है historians की. जो जैसे हमने साइंस कांग्रेस देखते हैं ना, जनवरी में मीट करती है साइंस कांग्रेस. 2019 में भी मिली, 20 में मिली, 117 थी इस ईयर हमने देखा था इंडियन साइंस कांग्रेस. 2020 में 117th टाइम मिले थे. ये कहाँ मिले थे? ये बेंगलोर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिले थे, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं एवरी ईयर. एंड इनका पर्पज क्या होता है? साइंस के रिलेटेड, लाइक साइंस को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाए साइंस की प्रोग्रेस के लिए. ये साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस है, इंडियन साइंस कांग्रेस. सेम इज द केस हमारे पास, ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है. यस, इट वॉज 107th कॉन्फ्रेंस ये 2020 में. इट वॉज हेल्ड बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस. यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में ये होल्ड हुई थी 2020 में. एंड इसका थीम क्या था? साइंस के रिलेटेड, साइंस इन एग्रीकल्चर, साइंस इन रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड था. एंड 2021 में ये पुणे में हो रही है, 108 होएगी वो 2021 में. सेम इज द केस हम इंडियन हिस्टोरी, ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस पे आते हैं. इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ये इसकी ओरिजिन कैसे हुई? इसकी ओरिजिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, भारत इतिहास संशोधक मंडला. ये फाउंड किसने की थी? काशीनाथ ने, काशीनाथ रजवाड़े ने. कब फाउंड की ये, किस ईयर में? इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1910 पुणे में, विद द सपोर्ट ऑफ दिस केसी महेंद्रे. इनकी सपोर्ट के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई. गॉट इट? देन व्हाट हैपेंड? देन हैपेंस के BISM ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने एक ऑल इंडिया कांग्रेस बनाई. BISM ने क्या किया? एक ऑल इंडिया लेवल की एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज की. गॉट इट? इन्होंने, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिसन टू मी. ये भारत, अपनी ये भारत इतिहास संशोधक मंडला ने क्या किया, 1935 में एक इंडिया लेवल की कांग्रेस बुलाई. बिकॉज ऑफ इट्स सिल्वर जुबली थी उस ईयर, तो उसी वजह से उसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम इन्होंने चेंज कर दिया. नेम ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया लेवल की बन गई, दैट इज इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस. पहले क्या थी ये? थोड़ा रीजन स्पेसिफिक थी, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी. 1935 में ये इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बन गई. इज इट क्लियर? जिसमें 50 डेलीगेट्स थे. एंड ये इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बन गई, पहले इट वॉज जस्ट रीजन स्पेसिफिक. गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली क्या होता है ये? हु विल एक्सप्लेन? सिल्वर जुबली क्या होता है? मैम 25 इयर्स ऑफ, 25 इयर्स किसी चीज के, देन 50 इयर्स को गोल्डन जुबली, देन प्लैटिनम जुबली. लाइक 1910 में बनी थी ना, 25 इयर्स के बाद 35 में इनकी सिल्वर जुबली थी. इज इट क्लियर? Any doubt to anyone? Is it clear to everyone up to here? Yes, ma'am. Do you want me to explain something again, or is it clear to everyone? Can we proceed further? Ma'am, it is all clear. Is it clear? Let's start. Yes, our geography ka portion, jo hamara static portion tha. Let's start that portion. Okay. Just 2 minutes are left of our this meeting. Next meeting mein aap isi link ko fir se click karke enter ho jana. Next. Next is, let's start. हमने ये अभी तक ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है अप टू मिनरल्स तक. नाउ हमारा कल इंडस्ट्रीज भी हाफ हो गया था, आज हम इंडस्ट्रीज कंप्लीट करके नेचुरल रिजल्ट्स कर लेंगे.
लेट्स डू इंडस्ट्रीज कहाँ तक हो गया था कल? पेट्रोकेमिकल्स तक, पेट्रोकेमिकल स्टार्ट करना था, पेट्रोकेमिकल्स से ही स्टार्ट करना था. अप टू हियर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं दिस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दीज आर जिसमें हमें क्या क्या चाहिए, पॉलीमर्स चाहिए, सिंथेटिक रबर चाहिए, वी नीड दिस. Then we are having, we need types of raw materials, polymers, synthetic fiber, elastomers, then surfactant. Hame intermediate chahiye. We need to have this type of, like, hame petrochemicals chahiye. Petrochemicals like jis region mein milenge hame. Like Mumbai is the hub of petrochemicals. Mumbai offshore area mein hame oil fields hain, hame jo petrochemicals mil rahe hain. Because of that, ye hamari petrochemical industries bhi wahi hongi. लाइक पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर हमारी होल इंडस्ट्री इज बेस्ड. ये जस्ट वन मिनट इज लेफ्ट ऑफ दिस मीटिंग. ये मीटिंग एंड होने जा रही है एंड नेक्स्ट मीटिंग में आप एंटर हो जाना इसी लिंक को क्लिक करके. ओके okay?